गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आपको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर का डिस्कशन कर रहे थे और प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट पढ़ने के बाद कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सिंपल भी कह सकते हो पॉइंट्स करके एक एक चीज़ें पढ़े हैं हम लोग। लगभग 10 पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इस 10 पॉइंट के बाद आप नई हेडिंग डाल लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेरियस कंडीशंस। एक्चुअली जो प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़े हो और जिस प्रोजेक्टाइल मोशन में हमने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज निकलवाया है, उसके अलावा तीन कंडीशन में प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल और भी आते हैं। वो तीन स्पेशल कंडीशन हैं, उन कंडीशंस को आपको बोर्ड पे मैं बता रहा हूँ, उन कंडीशंस को पहचानिए और यदि उस कंडीशंस पे न्यूमेरिकल आते हैं तो न्यूमेरिकल को आप कैसे लगाएंगे तरीके देखिए। ये स्पेशल कंडीशंस हैं और बहुत आसान भी हैं। इन स्पेशल कंडीशंस को आप पहचानिए और किस कंडीशन के न्यूमेरिकल कैसे लगते हैं ध्यान से समझिए। तो हेडिंग डाल लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेरियस कंडीशंस। प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेरियस कंडीशंस, प्रोजेक्टाइल मोशन इन वेरियस कंडीशंस, उसमें कंडीशन वन या केस वन। केस वन ये है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट h हाइट से हॉरिजेंटल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से यदि ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो उस पर क्या क्या पूछा जाएगा और कैसे लगाया जाएगा, ये देखिए। तो इसमें केस वन में हेडिंग लिख लीजिए, इफ ए प्रोजेक्ट is projected from height h with velocity u and at angle theta from हॉरिजॉन्टल इन अपवर्ड्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक टावर है जिसकी हाइट h है, ये मान लीजिए टावर है, ये h हाइट का टावर है, और टावर के अपर पॉइंट से जैसे कोई ब्रिज हो, कोई खंभा हो, कोई पुल हो, कोई ओवरब्रिज हो या मकान की छत हो, मतलब आप ग्राउंड पर नहीं है, ग्राउंड से h मीटर ऊपर, ये ग्राउंड है, ये बेस है समझिए, इससे h मीटर ऊपर इस पॉइंट से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया गया। जैसे आप एच हाइट पे खड़े हो और एक प्रोजेक्ट को हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, ऊपर की तरफ, देखिए ये ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, तो आप खुद ही देख सकते हो जनरली कि जब प्रोजेक्ट को हम ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर थ्रो करेंगे तो ये प्रोजेक्ट ऐसे जाकर यहां ग्राउंड से टकरा जाए, ठीक है। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, मान लीजिए पूरी जर्नी आपकी टी टाइम में हुई है और आपने जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट को थ्रो किया है उस वेलोसिटी को यदि हम रिजॉल्व करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यू कॉस थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा वेलोसिटी का जिसे आप यू आई कहते हो,
यू साइन थीटा, ठीक है। तो जब भी कोई ऐसा न्यूमेरिकल आपको दिया जाए कि एक प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजेंटल से थीटा डिग्री पर ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो क्या क्या होगा या क्या आपसे पूछा जाएगा उसको देखिए। सबसे पहली चीज पूछी जाती है कि जिस टावर की हाइट से आपने प्रोजेक्ट को थ्रो किया है उस टावर के बेस से कितनी दूर ये प्रोजेक्ट जमीन से स्ट्राइक करेगा, यानी ये यक्स, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। टाइम भी पूछ दिया जाता है। तो आप यहां सबसे पहली चीज द हाइट ऑफ टावर, सबसे पहला टावर की हाइट, तो चूंकि टावर की हाइट एच है तो टावर की हाइट निकालने का फार्मूला यहां पर होगा एच इज इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन, ये याद रखिएगा। मैंने कहा था पहले ही कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन अब बताने जा रहे हैं ये स्पेशल कंडीशन है, विशेष कंडीशन है, और इन विशेष कंडीशन में यदि आपको न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप न्यूमेरिकल को पहचानिए और न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे इसको देखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि आए तो उसमें सबसे पहली चीज हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट का ये फार्मूला, इस फार्मूले से टावर की हाइट निकलेगी। दूसरी चीज कि ये जो प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको आपने यहां से थ्रो किया है वह टावर के बेस से कितनी दूर गिरेगा, यानी प्रोजेक्ट कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा। द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्ट, दूसरा सवाल पूछा जाता है कि जिस ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया है वह टावर के बेस से कितनी दूर जाके गिरेगा, यानी वो कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा, यानी एक्स पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको प्रोजेक्टाइल मोशन के शुरू में ही बताया था कि जब भी हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालनी हो तो सिंपल फार्मूला यूज करते हैं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, और यदि वेलोसिटी निकालनी हो, टाइम निकालना हो, हाइट निकालनी हो, तब ऐसे केस में इक्वेशंस ऑफ मोशन यूज किए जाते हैं। जो प्रोजेक्टाइल मोशन के चैप्टर का जब इंट्रोडक्शन पढ़ा रहे थे तो उस समय हमने साफ साफ बता दिया था कि कभी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का कोई भी सवाल पढ़िए, यदि हॉरिजेंटल डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल फार्मूले का यूज किया जाता है। तो प्रोजेक्ट ने कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया एक्स निकालना हो तो उसका सीधा फार्मूला लगाएं, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजेंटल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा इनटू टी, ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस हो गया। अब कोई भी न्यूमेरिकल आता है आप इन्हीं दोनों इक्वेशन से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। ज्यादातर न्यूमेरिकल ऐसे देखे गए हैं कि जिसमें टावर की हाइट ऑलरेडी दी होती है, तो जब टावर की हाइट एच दी हुई है तो आप सबसे पहले यही फार्मूला लिखिए और उसमें एच दिया रहेगा, यू दिया रहेगा, थीटा दिया रहेगा, तो यहां से टी की वैल्यू निकल जाएगी और फिर ये टी की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, थीटा और यू दिया रहेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो कोई भी न्यूमेरिकल इस तरह का आता है तो आप सीधे सीधे ये दोनों इक्वेशन लगा सकते हो, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों इक्वेशन में से जो जो वैल्यूज दी हैं वह इनमें पुट करें, जो नहीं दी है निकल जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इक्वेशन नंबर 1 हाइट ऑफ टावर और इक्वेशन नंबर 2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये दोनों इक्वेशन लिख लें और क्वेश्चन में जो जो वैल्यूज दी हुई हैं वो इन इक्वेशन में पुट कर दीजिए और जो चीज पूछेगा वो आसानी से निकल जाएगा। तीसरी एक बात पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट कुल कितना वर्टिकल हाइट कवर किया। तो जैसे मान लीजिए प्रोजेक्ट को यहां थ्रो किए और ऐसे होता हुआ नीचे गिरा, तो जमीन से इतना ऊपर प्रोजेक्ट है ये टोटल हाइट। तो पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट ने पूरी यात्रा में मैक्सिमम कितनी हाइट कवर की,
पूरी यात्रा में मैक्सिमम कितनी हाइट कवर की, यानी ये पूरी हाइट पूछी जाती है आपसे। तो यदि इस पूरी हाइट को हम एच डैश मान लें और केवल यहां से इस हाइट को हम कैपिटल एच मान लें, तो प्रोजेक्ट ने पूरी कितनी हाइट कवर की, यानी यहां से लेकर यहां तक की जब हाइट पूछेगा तो कितनी हो जाएगी, एच डैश प्लस एच, और इस एच डैश की वैल्यू किसके इक्वल है, स्मॉल एच के इक्वल है। या ऐसे ही सीधा लिख दीजिए, आप देख रहे हो टावर की यह हाइट है तो ये एच है, ये डिस्टेंस एच है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट ने पूरी वर्टिकल डिस्टेंस या कितनी हाइट कवर की यदि पूछा जाए तो आप कैसे लगाएंगे, देखिए ये हाइट ऑफ टावर है, टावर की हाइट है, ये प्रोजेक्ट ने पूरी कितनी हाइट कवर की उसके लिए इक्वेशन वन नहीं है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट लिख सकते हो, द टोटल वर्टिकल डिस्टेंस, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस मीन्स हाइट अटेंड बाय प्रोजेक्ट, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस अटेंड बाय प्रोजेक्ट, तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक की हाइट पूछ रहा है, इसको हम एच मान ले रहे हैं। तो टोटल वर्टिकल डिस्टेंस यदि एच पूछी जाए तो एच इज इक्वल टू है एच प्लस एच डैश, एच प्लस एच डैश। तो एच का फार्मूला अभी मैंने बताया है इक्वेशन वन, तो वहां से एच निकल जाएगा ये, और ये हाइट वर्टिकल हाइट का फार्मूला आप प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे इसके पहले हम डिराइव किए हैं, यदि किसी प्रोजेक्ट को फेंका जाए तो ये वाला डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट निकालने का फार्मूला बताया था मैंने, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू जी। तो इस तरह से यदि पूछा जाए कि किसी प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर यू वेलोसिटी से थ्रो किया जाए तो प्रोजेक्ट कुल कितना वर्टिकल हाइट कवर करेगा, यानी ये पूछा जाए, तो आप देख रहे हो कि एच प्लस एच डैश के इक्वल होगा, एच की वैल्यू इक्वेशन वन से निकल जाएगी और एच डैश की वैल्यू, ये हम आपको ऑलरेडी इस तरह का पिक्चर पढ़ा चुके हैं, तो वहां से एच डैश, तो इक्वेशन वन से एच निकाल लीजिए और बाकी वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो प्रोजेक्ट ने टोटल वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया निकल जाएगा। तो इस तरह से किसी प्रोजेक्ट को यदि एच हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर यू वेलोसिटी से ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए तो आपसे तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो तीनों क्वेश्चन हमने तीन इक्वेशन से बता दिए हैं। अब कोई भी न्यूमेरिकल इस पर आता है आप इन्हीं तीनों इक्वेशन को ध्यान दीजिए तो आपके न्यूमेरिकल लग जाएंगे। अब इसमें लिखिए केस टू, केस टू में यही चीज रहेगा, बस अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड हो जाएगा, अपवर्ड की जगह डाउनवर्ड, ठीक। अब जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, इस टावर की हाइट h है, ये टावर का बेस है, और एक प्रोजेक्ट को टावर के हाईएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर नीचे की तरफ यू वेलोसिटी से थ्रो कर दिया गया। पिछले वाले में ऑब्जेक्ट को एच हाइट से थीटा डिग्री पर ऊपर की तरफ थ्रो किया गया था। अब इस केस में बता रहा हूं कि ये इस केस में मैं बता रहा हूं आपको, ये एक टावर है और टावर के पीक से हाईएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर नीचे की तरफ यदि आप ऐसे कोई प्रोजेक्ट थ्रो कर दीजिए तो ये प्रोजेक्ट ऐसे मोशन करता हुआ यहां गिर जाएगा, ठीक है।
प्रोजेक्ट जहां ग्राउंड पे स्ट्राइक किया उसकी बेस से डिस्टेंस एक्स है, यानी आप ये कह सकते हो कि प्रोजेक्ट ने पूरे यात्रा के दौरान हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स कवर किया, और मान लीजिए पूरी जर्नी में लगा हुआ टाइम टी है और आपने प्रोजेक्ट को जिस वेलोसिटी से थ्रो किया उसको हम यदि रिजॉल्यूट करें तो एक कंपोनेंट हो जाएगा यू एक्स यानी यू कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट नीचे हो जाएगा यू आई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। अब यदि इस तरह का कोई न्यूमेरिकल आता है कि एक प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर यदि नीचे की तरफ थ्रो कर दिया गया हो तो आपसे क्या पूछेगा, इसको देखिए। सबसे पहली चीज कि हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर, तो यहां पर टावर की हाइट निकालने का फार्मूला है यू साइन थीटा टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और दूसरा द टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट कुल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने अभी बताया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जब भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो सिंपल फार्मूले का यूज करते हैं, और ये सिंपल फार्मूला है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पर यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा है, ये हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी। अब कोई भी न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है और उसमें कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट को एच हाइट से या किसी टावर के हाईएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया, तो जो भी कुछ पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में इन्हीं दोनों फार्मूले से लग जाएगा। कभी कभी हाइट ऑफ टावर पूछ देता है तो हाइट ऑफ टावर निकालने का फार्मूला सारी वैल्यू पुट कीजिए आ जाएगा। कभी ज़्यादातर क्वेश्चन में इसमें भी हाइट ऑफ टावर दे देता है, तो जब टावर की हाइट दी रहेगी तो भी ये फार्मूला लगा करके तब टी निकाल लीजिए, क्योंकि जब टावर की हाइट दी रहेगी तो टाइम नहीं दिया रहेगा, बाकी टी निकाल लीजिए और टी की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए एक्स निकल जाएगा। बहरहाल जो भी कुछ पूछे आप ये दो इक्वेशंस बना लें और क्वेश्चन में दो जो जो वैल्यूज दी हुई हैं उन वैल्यूज को इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दीजिए, जो चीज़ नहीं दी रहेगी वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह से आपको दो केस बताया गया। एक केस में आपको मैंने बताया कि यदि किसी ऑब्जेक्ट किसी प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर ऊपर की तरफ थ्रो किया जाए और एच हाइट से हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री पर नीचे की तरफ थ्रो किया जाए या प्रोजेक्ट किया जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपसे क्या क्या पूछेगा, क्या क्या निकालेंगे, ये दोनों केस में हमने बता दिया। अब केस थ्री जो मेरे समझ से ज्यादा महत्वपूर्ण केस है, क्योंकि जो केस थ्री बताने जा रहे हैं इस केस थ्री पर क्वेश्चंस भी ज्यादा आते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो थोड़ा सा आप विचार करोगे, थोड़ा सा आप सोचोगे, थिंक करोगे, तब आपको लगेगा कि ये केस थ्री का है, जनरली देखने पर नहीं लगेगा। और केस थ्री का यूज चाहे आप फ्लो ऑफ लिक्विड पढ़ेंगे तब भी पड़ेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन में पड़ी रहा है, कई जगह रोटेटरी मोशन में भी इसका यूज है। इसलिए मेरे समझ से आप जो केस थ्री पढ़ने जा रहे हो ये तीनों केसेज में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। बस ये है कि पहचानने की जरूरत है कि यदि कोई न्यूमेरिकल दिया जा रहा है तो आप पहचानिए कि ये केस थ्री का। केस थ्री में क्या कहा गया है कि इफ ए प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट एच विद वेलोसिटी यू इन हॉरिजॉन्टल, अब प्रोजेक्ट को एच हाइट से यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया। पहले केस में हॉरिजॉन्टल से ऊपर थ्रो किया गया किसी एंगल पर, दूसरे केस में हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पर नीचे की तरफ थ्रो किया गया, और तीसरे केस में प्रोजेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही थ्रो किया गया, तो क्या क्या पूछेगा और कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, तब इस पर कुछ और भी न्यूमेरिकल जो इस थर्ड केस पर बेस्ड हैं उनको भी हम बताएंगे। अब जैसे मान लीजिए
यह एक टावर है। यह एक टावर है जिसकी हाइट एच है और ये टावर का बेस है। एक प्रोजेक्ट को टावर के हाईएस्ट पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया। पहले केस में हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किए थे, दूसरे केस में नीचे की तरफ प्रोजेक्ट किए थे, और तीसरे केस में आपने इस प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया। तो जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करोगे तो ऐसे प्रोजेक्ट जाकर यहां ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगा। ठीक, मान लीजिए पॉइंट ए है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है। ठीक है, प्रोजेक्ट इसी पाथ पे मोशन करता हुआ नीचे की तरफ गिर जाएगा। प्रोजेक्ट कुल कितनी एच हाइट से ऊपर से फेंका गया था, इसलिए प्रोजेक्ट ने पूरी यात्रा के दौरान कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया पूछा जाए तब भी एच बताइए, हाइट ऑफ टावर पूछा जाए तब भी एच बताइए। यानी यहां दोनों बात याद रखना, पहला कि यदि आपसे कहा गया कि प्रोजेक्ट ने कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया तब भी आप एच बताएंगे, और प्रोजेक्ट अरे टावर की हाइट निकालिए तब भी आप एच बताएंगे, यानी दोनों केसेस में आपको एच ही निकालना है। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन में कहा जाए कि टावर के हाइट से हाईएस्ट पॉइंट से किसी प्रोजेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, टावर की हाइट बताओ तो भी आप एच बताएंगे। यदि कहा जाए कि प्रोजेक्ट ने पूरे मोशन के ड्यूरिंग कुल कितना वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया तब भी आप एच ही बताओगे। तो सबसे पहली चीज द हाइट ऑफ टावर, द हाइट ऑफ टावर, या इसको लिख सकते हो द वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्ट। अब देखिए, प्रोजेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि यदि कोई वेक्टर क्वांटिटी हॉरिजॉन्टल हो तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। ये हम बता चुके हैं, कई बार डिस्कशन हो चुका है। तो अब हमें निकालना क्या है, हाइट ऑफ टावर या वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाई प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट ने वर्टिकल कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने आपसे कहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यदि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तब तो सिंपल फार्मूले से निकालिए, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अलावा चाहे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना हो, वर्टिकल डिस्टेंस मींस हाइट, या वेलोसिटी निकालना हो या टाइम निकालना हो, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। और तीन इक्वेशन ऑफ मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में कौन से यूज होंगे ये हम आपको बता चुके हैं। तो यहां पे वर्टिकल डिस्टेंस निकालना है तो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहां बता चुके हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन से हैं, उसमें से सेकेंड ये है। अब यहां से यू आई की वैल्यू जीरो है, यहां हो जाएगा जीरो इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, या एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, पहला इक्वेशन। दूसरी चीज, तो यदि हाइट ऑफ टावर पूछता है तो भी ये लगेगा, प्रोजेक्ट द्वारा कवर्ड वर्टिकल डिस्टेंस पूछे तो भी ये लगेगा, और यदि किसी न्यूमेरिकल में टावर की हाइट दिया हो तो भी ये इक्वेशन लगाएंगे आप, तो हाइट देगा तो टाइम नहीं देगा। तो यदि हाइट दिया हो तो यहां तुरंत टाइम निकाल लीजिए, आगे यूज पड़ेगा। दूसरी चीज पूछी जाती है कि प्रोजेक्ट ने कुल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड
कवर्ड बाय प्रोजेक्ट। अच्छा ये भी हो सकता है कि मान लीजिए आपसे कहा जाए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्ड ना यूज किया जाए, आपसे ये कह दिया जाए कि प्रोजेक्ट टावर के बेस से कितना दूर जाके गिरेगा या टावर के बेस से कितना दूरी पर जमीन से टकराएगा। तो टावर के बेस से कितना दूर गिरेगा, टावर के बेस से कितना दूर टकराएगा या प्रोजेक्ट ने कुल कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया, तीनों की मीनिंग एक ही है, तीनों केस में यक से ही निकालना है। तो हमने आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना हो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो यहां पर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यू है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लिख लीजिए इसको ऐसे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो गई यूएक्स और यूएक्स मीन्स यूटी। तो जनरली यदि कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यू वेलोसिटी से थ्रो किया गया, तो जो जितने जनरल क्वेश्चन हैं जब ये पूछा जाए तो आप सिर्फ इन्हीं दो इक्वेशन को याद कीजिए, सारा काम हो जाएगा। टावर की हाइट दिया है तो टाइम निकाल लीजिए, यहां से टाइम दिया है तो हाइट निकाल लीजिए और फिर यहां से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप जनरली ये दोनों इक्वेशन, इसी दोनों इक्वेशन से सारे सवाल लग जाएंगे। हाँ कुछ चीजें इसमें एडिशनल पूछता है कभी कभी, ज्यादातर कंपटीशन में ही पूछता है, बोर्ड एग्जाम में बहुत कम पूछा हुआ देखा गया है। बोर्ड एग्जाम के जो क्वेश्चन है इस पर वो केवल इन्हीं दोनों इक्वेशन से लग जाएंगे। तो जब भी इस तरह का केस आए ये दोनों इक्वेशन लिखिए और जो जो वैल्यू क्वेश्चन में दी है पुट कीजिए, आंसर लीजिए। लेकिन कभी कभी कुछ और चीजें पूछ देता है, तो यहां पर हमने आपको दो चीज निकालना बताया, दो इक्वेशन बताया, अब तीसरी चीज आपसे और क्या पूछी जा सकती है उसको देखिए। पाथ ऑफ प्रोजेक्ट, ये हेडिंग तीसरी चीज। अब पाथ ऑफ प्रोजेक्ट निकालने के लिए क्या कीजिए, इक्वेशन टू से टी की वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू, तो इक्वेशन टू है x इज इक्वल टू यू टी, तो यहां से t इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई यू, t इज इक्वल टू हो जाएगा x बाई यू। अब ये जो t की वैल्यू आई उसको इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, बस और कुछ नहीं करना। प्रोजेक्ट का पाथ निकालने के लिए आप इक्वेशन टू से t की वैल्यू निकालकर इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन में जब टी की वैल्यू पुट करेंगे, चाहे ऐसा करिए ये एरो के बजाय इसको पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अब टी की वैल्यू इक्वेशन वन में पुट करो तो इक्वेशन वन है एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। अब इस टी की जगह एक्स बाई यू रखोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई यू का होल स्क्वायर। अब ये हो गया एच इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपान यू स्क्वायर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो जी अपान टू यू स्क्वायर, एक में ले लीजिए इंटू एक्स स्क्वायर। ये पाथ का इक्वेशन है, यानी लिख सकते हो विच इज द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट के पाथ का इक्वेशन है, ठीक। तो यदि प्रोजेक्ट के पाथ का इक्वेशन आपसे पूछा जाए तो इक्वेशन, तो क्या करिए कि आप इक्वेशन नंबर टू से टी की वैल्यू निकालकर इक्वेशन वन में रख दीजिए और वन में रखने के बाद जो इक्वेशन आएगा उसी को प्रोजेक्ट के पाथ का इक्वेशन कहते हैं। अब जो पाथ का इक्वेशन आपको मिला है यानी एच इज इक्वल टू जी अपॉन टू यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो पाथ का इक्वेशन आपको मिला है इस इक्वेशन से क्या रिजल्ट हासिल होता है उसको देखिए। यानी ये प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट यहाँ टावर से नीचे की तरफ आ रहा है इसे और यहाँ ग्राउंड पर टकराया,
तो वह जिस पाथ पे मोशन कर रहा है उसी पाथ का ये इक्वेशन है, तो पाथ का इक्वेशन पूछा जाए तो इसे लगाइए। अब ये इक्वेशन देखिए बता क्या रहा है, इस इक्वेशन में दो वेरिएबल हैं, एक एक्स और एक एच। क्योंकि जो जो प्रोजेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है एक्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और एच की वैल्यू कम हो रही है, तो यानी यहां दो वेरिएबल है, जो जो प्रोजेक्ट आगे जाएगा एक्स बढ़ता चला जाएगा और एच घटता चला जाएगा, क्योंकि प्रोजेक्ट धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है तो हाइट कम होती जाएगी। जो फेंकोगे प्रोजेक्ट नीचे आएगा, हाइट कम होती जाएगी लेकिन एक्स बढ़ता जाएगा। इसका मतलब कि यदि प्रोजेक्ट को यहां से हमने थ्रो कर दिया तो जितने देर तक प्रोजेक्ट मोशन कर रहा है दो चीज चेंज होगा, एक एक्स और एक एच, तो यही दो हमारे वेरिएबल हो गए। तो चूंकि एक्स और एच ये दो वेरिएबल हैं इस इक्वेशन में, और जब भी कोई इक्वेशन ऐसा मिले जिसमें जो दो वेरिएबल हो उसमें से एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो यानी उसका पावर 2 हो और एक वेरिएबल का पावर 1 हो यानी वो होमोजीनियस हो, जब भी दुनिया में कभी भी कोई इक्वेशन ऐसा मिले जिसमें दो वेरिएबल हो और दोनों में से एक का पावर 2 हो और एक का पावर 1 हो तो वो पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो यहाँ जो पाथ का इक्वेशन आया है उसमें दो वेरिएबल जो एक्स और एच है इनको ध्यान से देखिए, एक्स का पावर 2 है यानी एक्स क्वाड्रेटिक है और एच का पावर 1 है यानी एच होमोजीनियस है। इसका मतलब कि ये जो पाथ का इक्वेशन आया है ये पैराबोला का इक्वेशन है। तो यहां पर लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इन एक्स एंड होमोजीनियस इन एच, होमोजीनियस इन एच विच रिप्रेजेंट ए पैराबोला, विच रिप्रेजेंट ए पैराबोला, इट मीन्स द पाथ ऑफ प्रोजेक्ट इज पैराबोला, द पाथ ऑफ प्रोजेक्ट इज पैराबोला। यानी ये जो इक्वेशन आपका आया है ये एक्स में क्वाड्रेटिक और एच में होमोजीनियस है जो एक पैराबोला रिप्रेजेंट करता है, और जब पैराबोला इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है तो इससे क्लियर है कि प्रोजेक्ट का पाथ पैराबोला होगा। तो कभी कभी एक क्वेश्चन भी हम लोग एग्जाम में दे देते हैं कि एक प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजेंटल डायरेक्शन में थ्रो किया गया यू वेलोसिटी से, प्रूफ करो कि उस प्रोजेक्ट का पाथ पैराबोला होगा। तो यदि ये आ जाए कि प्रूफ करो उस प्रोजेक्ट का पाथ पैराबोला होगा तो आप ऐसे लगाते चले जाइए, ये इक्वेशन मिल जाएगा और फिर इस इक्वेशन से ये लिख दीजिए, क्योंकि पैराबोला पाथ यदि प्रूफ करना है तो इन दोनों वेरिएबल ऐसा इक्वेशन पाइए जिसमें ये दोनों वेरिएबल में से एक क्वाड्रेटिक हो जाए और एक होमोजीनियस हो जाए, जैसे ये हो गया तो पाथ पैराबोला प्रूफ हो जाएगा। तो कभी कभी पाथ का इक्वेशन निकालने को आता है, कभी कभी कहता है प्रूफ कीजिए कि प्रोजेक्ट का पाथ पैराबोला होगा, तो जैसे बताए हैं वैसे प्रूफ कर दीजिए। तो तीन चीज हो गई। अब चौथी चीज देखिए, इसमें और चौथी बात क्या पूछी जाती है, चौथी चीज मान लीजिए प्रोजेक्ट को पी पॉइंट से थ्रो किया गया, तो प्रोजेक्ट को जब पी पॉइंट से थ्रो किए धीरे धीरे प्रोजेक्ट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, मान लीजिए टी टाइम बाद प्रोजेक्ट आ गया पॉइंट बी पर। ध्यान दें
टी टाइम बाद प्रोजेक्ट आ गया पॉइंट बी पर, क्योंकि जब प्रोजेक्ट को यहां से थ्रो करोगे तो जो जो टाइम बीतेगा प्रोजेक्ट ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, ऐसे आता जाएगा, आगे ग्राउंड पे गिर जाएगा। तो जब प्रोजेक्ट को पी से थ्रो किया गया तो पी से थ्रो करने के टी सेकेंड बाद मान लीजिए प्रोजेक्ट आ गया बी पॉइंट पर। तो जब प्रोजेक्ट बी पॉइंट पर आया तो पूछा जाए प्रोजेक्ट की वेलोसिटी का डायरेक्शन बताइए। तो मैंने बताया है कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी पाथ पे मोशन कर रहा है, किसी भी पॉइंट पर यदि आपको उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो आप वहां टेंजेंट ड्रा कर दो। तो जब प्रोजेक्ट यहां से थ्रो किया गया और टी सेकंड बाद बी पर आया तो बी पर प्रोजेक्ट की वेलोसिटी किधर होगी ये जानने के लिए आप ऐसे टेंजेंट खींच दीजिए। मान लीजिए टी समय बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी वी हो गई, क्योंकि आप जानते हो कि जब प्रोजेक्ट एच हाइट से ऐसे फेंका जाएगा तो जो जो प्रोजेक्ट नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। कोई भी चीज यदि छत से ही फेंक दो तो ज्यो ज्यो वो प्रोजेक्ट नीचे आएगा उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए प्रोजेक्ट ज्यो ज्यो नीचे आएगा स्पीड बढ़ती चली जाएगी, और बी पर जब प्रोजेक्ट आया तो उसकी स्पीड यू से बढ़कर वी हो गई। ठीक, अब इस वी वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए। तो ये मान लीजिए हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो वी को जब रिजॉल्व करोगे तो ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी एक्स और ये कॉम्पोनेंट हो जाएगा वी वाई। वी एक्स हो गया, हम ये वी एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का और ये वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आप एक चीज पढ़े हो कि यदि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, यदि कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है तो पूरे यात्रा के दौरान जितने देर तक वो मोशन करता रहेगा उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ये इंट्रोडक्शन पढ़ाते समय मैंने जोड़ देके बताया था। तो जब प्रोजेक्ट बी पर आया तो जो वेलोसिटी है उसको यदि रिजॉल्व किया जाए दो कंपोनेंट में तो एक वी एक्स हो गया, वी वाई हो गया। वी एक्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो मैंने बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कभी चेंज होती नहीं, इसलिए शुरू में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जितनी है उतनी ही अब भी रहेगी। तो इसलिए पहला सवाल कि यदि एच हाइट से किसी प्रोजेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया जाए तो टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूछी जाए तो वही बता दीजिए जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट को थ्रो किया गया था। यानी प्रोजेक्ट को जिस वेलोसिटी से हमने फेंका था टी समय बाद प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो डी में पहली चीज आपसे पूछी जाती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्ट की यू हो जाएगी जिस वेलोसिटी से आपने थ्रो किया था प्रोजेक्ट को, वही हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टी सेकंड बाद हो जाएगी। अब टी सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी पूछी जाए, द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर टाइम टी, द वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर टाइम टी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस छोड़कर यदि वर्टिकल वेलोसिटी निकालना हो तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहां फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दीजिए, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है यह वाई लग जाता है। अब देखिए यहां यू वाई की वैल्यू जीरो है तो यहां जीरो पुट कर दीजिए प्लस जी टी, यानी वी वाई इज इक्वल टू जी टी। तो टी टाइम बाद प्रोजेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उतनी ही होगी जितनी वेलोसिटी से थ्रो की गई थी। टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी पूछा जाए तो जी टी, जैसे कहा जाए कि एक प्रोजेक्ट को एच हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, चार सेकंड बाद प्रोजेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी बताइए। तो चार सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ चार रख दीजिए 4g हो जाएगा। छः सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी बताइए 6g हो जाएगा। सात सेकंड बाद वर्टिकल वेलोसिटी बताइए 7g हो जाएगा। तो टी टाइम बाद वर्टिकल वेलोसिटी इससे निकलेगी और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही रहेगी जिससे थ्रो किए थे। अब टी सेकंड बाद प्रोजेक्ट की टोटल वेलोसिटी भी पूछता है, यानी वी
टोटल वेलासिटी या वेलासिटी ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर टाइम टी। ध्यान देना, जब टी टाइम बाद हॉरिजॉन्टल वेलासिटी पूछा जाए तो ये लिखिए, टी टाइम बाद वर्टिकल वेलासिटी पूछा जाए तो ये लिखिए, और टी टाइम बाद सिर्फ वेलासिटी कही जाए तो इसका मतलब रिजल्टेंट पूछा जा रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इनका रिजल्टेंट हो जाएगा अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। मैं बताया हूं यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट अंडर रूट पहले के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो वी एक्स की वैल्यू यू है तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर जी टी यानी जी स्क्वायर टी स्क्वायर। क्लियर। तो यदि किसी प्रोजेक्ट को एक्स हाइट से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, टी सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बताइए, इससे टी सेकेंड बाद ऑब्जेक्ट की वर्टिकल वेलोसिटी बताइए, इससे टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट की वेलोसिटी बताइए या रिजल्टेंट वेलोसिटी बताइए, तब इससे लगेगा। चौथी चीज, चौथी चीज ये पूछता है कि टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट का डायरेक्शन बताइए। द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट आफ्टर टाइम टी। तो प्रोजेक्ट का डायरेक्शन बताना है तो यहां से एंगल निकाल दीजिए, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो बन रहा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी जी टी बेस यानी यू, तो ये हो जाएगा जी टी अपॉन यू। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। तो यदि टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट का डायरेक्शन पूछा जाए तो आप ये एंगल निकाल लीजिए और बता दीजिए कि टी सेकेंड बाद प्रोजेक्ट हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर होगा, तो वो डायरेक्शन हो गया। ठीक है, अब अगली चीज, पांच छह क्वेश्चन इस थर्ड केस में हो गए। अब अगला पॉइंट ए बी सी डी के बाद ई। पहला सवाल ये पूछा जाता है कि एक एरोप्लेन ग्राउंड से एच हाइट पर है, एक एरोप्लेन ग्राउंड से एच हाइट पर है यहां पे, और यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है। तो एकदम यही केस है, एरोप्लेन एच हाइट पर है यानी ये भी एच हाइट पर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एरोप्लेन चल रहा है, ये भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो जब ये क्वेश्चन आए कि एक एरोप्लेन ग्राउंड से इतना हाइट पर उड़ रहा है और उससे बम छोड़ा जाता है, तो बम कहां जाके गिरेगा, कितनी दूर जाके गिरेगा, इस तरह के सवाल जनरली आते हैं। तो मान लीजिए आपने ये एरोप्लेन है आपका, यू वेलोसिटी चल रहा है, अब इससे बम गिराया गया, तो गिरने के पहले चूंकि बम एरोप्लेन में ही है इसलिए बम की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो एरोप्लेन की होगी, और यहां से जब आप गिराओगे तो ऐसे बम आता हुआ यहां टकरा जाएगा। ठीक, मान लीजिए बम जहां गिराया गया वहां से कितना दूर जाके गिरेगा, एक्स मीटर दूर, पूरी यात्रा में टाइम टी। हाँ, एक चीज और, कभी कभी ये पूछा जाता है कि एक एरोप्लेन है और यहां पर हमारे दुश्मन का छावनी है, तो जब एरोप्लेन इस सीध में आएगा तब बम गिराएगा तो तहस नहस नहीं होगा, क्योंकि एरोप्लेन जहां से बम गिराएगा बम ऐसे आगे गिरेगा। इसलिए यदि किसी पॉइंट को, किसी टारगेट को हीट करना है तो हमें अपने एरोप्लेन से बम पहले ही गिरा देना है, यानी यहां का टारगेट हीट करना है, इस टारगेट को हीट करना है
तो हमें एरो बम यही पहले ही गिरा दे, यही से गिरा देनी चाहिए, तब जाके ये हिट होगा, ठीक है ना। तो इस तरह का यदि क्वेश्चन आए तो पहला इक्वेशन एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दूसरा मैंने बताया था एक्स इज इक्वल टू यू टी। तो जो इस पर क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको एक्स दिया रहेगा तो यहां से टी निकाल लीजिए और टी दिए पुट कर दीजिए, यू दिया रहेगा तो बम कितना दूर जाकर गिरेगा निकल जाएगा, ठीक है। इसमें तीसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एरोप्लेन से बम गिराया गया तो यदि उस गिरते हुए बम को जमीन पर बैठा या जमीन पर खड़ा आदमी देखे तो उसका पथ कैसा दिखेगा, और एरोप्लेन का या जगुआर का जो पायलट है, फाइटर प्लेन का जो पायलट है, उसके देखने में बम का पथ कैसा दिखेगा। तो यहां पर आप देख लें कि जैसे ये एरोप्लेन है, ये यू वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहा है और यह हाइट पर है। तो मैंने कहा कि जब यहां से बम गिराओगे तो ये बम ऐसे चलता हुआ आएगा, तो जब बम छोड़ दिया गया यहां से तो बम तो ऐसे चलेगा और एरोप्लेन वो आगे उड़ता चला जाएगा, ठीक। और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैंने बताया है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज होता नहीं, तो चूंकि एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और चूंकि बम एरोप्लेन में ही था तो बम की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोनों सेम होगी, इसलिए जितना जब बम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एरोप्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एरोप्लेन चलेगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बम भी चलेगा। तो ज्यों ही बम आगे जाएगा तो जब पायलट यहां से देखेगा तो बम यहां दिखेगा, फिर पायलट थोड़ा आगे बढ़ा और बम भी थोड़ा नीचे आया, फिर जब पायलट देखेगा तो बम उसको सीधे अपने नीचे गिरता हुआ दिखेगा, फिर जब एरोप्लेन आगे बढ़ा तो यहां से जब पायलट बम को देखेगा तो बम यहां आ गया रहेगा, फिर यहां पायलट देखेगा तो यहां आ गया, यानी जब जब पायलट बम को देखेगा तो बम पायलट के नीचे ही, यहां से देखा तो यहां दिखा, यहां से देखा तो यहां दिखा, यानी बम बार बार पायलट के नीचे ही दिखेगा, यानी पायलट के देखने में बम का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा, पायलट को देखने में लगेगा कि बम सीधे नीचे जा रहा है। लेकिन जमीन पर यदि कोई आदमी खड़ा होकर इस बम को देख रहा है तो जमीन पर खड़े आदमी को इस बम का पाथ पैराबोलिक दिखाई देगा। तो यहां पर यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि एरोप्लेन से बम गिराया गया तो जमीन पर खड़े आदमी को बम का पाथ कैसा दिखेगा और एरोप्लेन या फाइटर प्लेन के पायलट को बम का पाथ कैसा दिखेगा, तो सीधा लिख दीजिए कि जमीन पर खड़े आदमी को बम का पाथ पैराबोलिक दिखेगा, जबकि पायलट को बम का पाथ स्ट्रेट लाइन, यानी पायलट को लगेगा बम नीचे जा रहा है। क्यों देखेगा कि जो जो पायलट आगे बढ़ेगा बम भी तो नीचे जाएगा, और जब भी पायलट देखेगा तो बम उसके नीचे उसके सिर में ही दिखेगा, क्योंकि दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, ठीक। तो टी टाइम में जितना एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही बम करेगा, फिर एरोप्लेन जब यहां से यहां आया तो बम भी यहां से यहां गया, तो दोनों की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये सेम है, फिर जब पायलट यहां आया तो फिर बम यहां आ गया, यानी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बम और एरोप्लेन की सेम है, इसलिए जब भी जहां पायलट जिस सीध में पहुंचेगा बम उसी सीध में पहुंच जाएगा, और जब भी पायलट देखेगा तो बम ठीक उसके नीचे दिखाई देगा। अब मान लीजिए इसमें ये सपोज कर लीजिए ये घर की सीढ़ी है, स्टेयर, आप घर पे आप मकान पे मकान में रहते हैं तो इस तरह की सीढ़ियां हैं, एक सीढ़ी की हाइट वाई है और चौड़ाई एक्स है, फिर इसकी भी हाइट वाई है चौड़ाई एक्स है, ऐसे चलता चला गया वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। अब यहां पे एक बॉल रखा गया है और किसी बच्चे ने बॉल को ऐसे किक कर दिया, तो देखिए बॉल एच हाइट पर रखा गया है, बॉल एच हाइट पर रखा गया है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किक किया गया। तो अभी मैंने बताया कि जब भी एच हाइट कोई चीज हो हॉरिजॉन्टल में किक की जाए तो सब यही सब लगेगा जितना बताया हूं। अब ऐसे ये बॉल जाकर यहां स्ट्राइक करेगी, यही पूछता है कि बॉल किस नंबर के स्टेयर को किस नंबर की सीढ़ी पर गिरेगी। तो मान लीजिए 99 नंबर की सीढ़ी पर गिरी,
पूछा जाएगा कि किस सीढ़ी पर गिरेगी। तो मान लीजिए एनवे सीढ़ी पर गिरेगी, एनएथ स्टेयर पर गिरेगी। तो अब एक स्टेयर की हाइट वाई है, तो एन स्टेयर की हाइट एन वाई हो जाएगा, यही वैल्यू हो गई एच की। अब एक स्टेयर की चौड़ाई एक्स है, तो एन स्टेयर की चौड़ाई एन एक्स हो जाएगी, यही एक्स हो गई। अब हमने बताया कि इस केस में दो ही फार्मूला लगाते हैं, एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहां से एच की वैल्यू रख दीजिए एन वाई, तो यहां से क्या निकल जाएगा, टी निकल जाएगा। फिर हमने दूसरा बताया था एक्स इज इक्वल टू यू टी लिखा जाता है, तो एक्स की जगह एन एक्स लिख दीजिए और टी की वैल्यू जो यहां से निकाले हुए यहां से पुट कर दीजिए, तो एन की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और आगे आप रोटेटरी मोशन या फ्लो ऑफ लिक्विड भी पढ़ेंगे तो उनमें भी इसका यूज। इसलिए जो थर्ड केस है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब प्रोजेक्टाइल मोशन पर एक वीडियो और बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर तो ऐसे बोर्ड के सिलेबस से खत्म हो चुका है, लेकिन एक वीडियो और बताएंगे, कुछ बेहतरीन बातें बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।